फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ नया सीखने के लिए टाइम हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप इसको यहीं छोड़कर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीपीएन के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं और आप इसको कैसे अपने मोबाइल और लैपटॉप्स में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी टेक टॉक्स, मेरा नाम है भानु पालिवा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सिंपल से वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि बहुत सारा इंटरनेट पर कंटेंट ऐसा होता है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए यहाँ पर ब्लॉक होता है या फिर रेस्ट्रिक्टेड होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में कोई ऐसी चीज सर्च करते हैं जो कि यहाँ पर ब्लॉक है या रेस्ट्रिक्टेड है, तो फ्रेंड्स आपको सिंपल से अपने फोन पर एक SMS देखने के लिए मिल जाएगा, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो फ्रेंड्स, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहां पर VPN काम में आता है। फ्रेंड्स, VPN की मदद से आप ऐसे रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट को यहां पर, जो कि आपके कॉलेज के वाईफाई ने या फिर किसी भी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में बैन कर रखा है, आप VPN के द्वारा ऐसे सारे कंटेंट को यहां पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर VPN बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सिंपल से बताऊं, VPN का मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे मैं इंडिया में हूं और VPN का जो सर्वर है किसी दूसरी कंट्री में। तो फ्रेंड्स, जब VPN के सर्वर और आपके फोन के IP एड्रेस के बीच में कम्युनिकेशन बन जाता है, तो फ्रेंड्स आप दोनों के बीच की यहां पर पूरी की पूरी कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड होती है। और फ्रेंड्स, इसको ना तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, आइडिया, एयरटेल और ना ही आपकी गवर्नमेंट इसको देख सकती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर सिंपल से जब भी आप ऐसी किसी भी कंटेंट के लिए VPN के सर्वर को यहां पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो आपको वहां से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लाके और उसको एनक्रिप्टेड करके आपके फोन तक प्रोवाइड करा देता है। तो यही फ्रेंड्स, यहां पर सिंपल से VPN का काम होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, चाइना में यहां पर फेसबुक बैन है, तो फ्रेंड्स आप यहां VPN की मदद से चाइना में भी फेसबुक को एक्सेस कर पाएंगे और अपने चाइना में भी फेसबुक को आराम से चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ काम होता है VPN का। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये VPN अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।